भाई बहुत दुखद घटना है, और विशेष तौर पे भाई अजीत सिंह के लिए ये एक इरिपेरेबल लॉस है। और अब तो वो हर तरह से सुधार के मूड में था, और राजनीति में भी अब वो बड़े जोश और होश के साथ नए सिरे से आया था, लेकिन नियति को जो मंजूर होती है कोई कुछ कर नहीं सकता। अब तो केवल ये कह सकते हैं परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे। देखो राव, अर्जुन सिंह का जो देहांत हुआ है वो बड़ा दुखद है, और इतनी छोटी उम्र में उनका चला जाना उनके परिवार के लिए तो दुखद बात है ही, हल्के के लिए भी बहुत दुखद बात है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दे और परिवार को इतनी शक्ति दे कि उनके जाने का जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो सके। ठीक है। राव अर्जुन सिंह के निधन से पूरे अहिरवाल में एक शोक की लहर है, और अहिरवाल के उभरते हुए सितारे हमारे बीच में से चले गए। बहुत दुख है। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं, और वो व्यक्ति सामाजिक थे, एक ऐसे मिलनसार व्यक्ति का जाना हम सब के लिए बेहद दुख है। भगवान से प्रार्थना है कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे, और परिजनों के लिए मेरी ये है कि उनको ताकत प्रदान। देखिए, क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है, और राव अर्जुन सिंह उभरते हुए होनहार राजनीति के थे, समाज सेवी भी थे, और क्षेत्र को इसका नुकसान हुआ है। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। राव अर्जुन सिंह का अकस्मात जो निधन हुआ है उससे इलाके को एक बड़ी क्षति हुई है, और आज कई दिन बाद डेड बॉडी विदेश से आई है, और अभी भारी संख्या में आप देख रहे हो इलाके में कितना मातम और कितना दुख है। ये सब लोग दाग में शामिल होने के लिए।